सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगल को तेलंगाना के कायदीन के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया, जहां रवा साल के अवायल में असेंबली इंतखाबात मुनक्किद होने वाले हैं। ये इजलास पार्टी हेडक्वार्टर्स पर मुनक्किद हुआ, जिसमें सीनियर लीडर राहुल गांधी, जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक, पार्टी के रियासती इंचार्ज मानिकराव ठाकरे और रियासती यूनिट के सरबराह रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। पार्टी के एक लीडर के मुताबिक इजलास में तेलंगाना में पार्टी की इंतखाबी तैयारियों का मुशावरत की गई और रियासत के लिए एक हिकमत अमली तैयार की गई। इजलास से कबल मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी से हिकमत अमली तैयार करने के माहिर सुनील कुरुगलू और राहुल गांधी की मौजूदगी में मुलाकात की। बीआरएस के कई बागी कायदीन की कांग्रेस में शमूलियत के एक दिन बाद ये इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें साबिक वजीर रूपली कृष्णा राव और साबिक रुकन पार्लियामेंट पोंगलेटी श्रीवास रेड्डी शामिल हुए। इस इजलास के बाद कांग्रेस के सीनियर कायदीन ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया। आज दिल्ली में तेलंगाना कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खड़गे जी, कांग्रेस के नेता राहुल जी गांधी और वेणुगोपाल जी, इन्होंने सभी तेलंगाना के नेताओं के साथ चुनाव के लिए किस तरीके से आगे जाना चाहिए, किस मुद्दे को आगे ले जाना चाहिए, इसके लिए सभी नेताओं के साथ डिस्कस किया। वन टू वन सभी की जो भी सजेशन थे, उस सभी सजेशन उन्होंने सभी के बहुत सारा वक्त देकर सुने हैं और उसी के आधार पे